जी बहुत शुक्रिया आज के इस इदारती तारुफ़ के लिए आपने मुझे बुलाया। जामिया के अंदर दो शोबे जाते हैं, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और स्कूल और कॉलेज का। इन दोनों का मैं डायरेक्टर हूँ, इन तमाम चीज़ों को देख रहा हूँ। ठीक तो सबसे पहले जो आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो शोबा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे करने जा रहे हैं। ठीक है। जामिया के अंदर मजमूई तौर पर 63 डिपार्टमेंट्स है, जैसा है कि आपके इल्म में होगा। उसमें से कुछ तालीमी शोबा जात हैं और कुछ जो है ना इंतज़ामी शोबा जात हैं। इस ज़रूरत को महसूस किया गया कि हम इन तमाम शोबा जात से कैसे रिजल्ट्स को लें और उसको किस तरीके से बेहतर बनाएं और इसको कैसे लेके चलें। तो एक सिस्टम जिसके ऊपर हम 2 साल से काम कर रहे हैं उसको हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं और परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। उस पर हमने काम शुरू किया और तमाम शोबों को ऑन बोर्ड लिया और उनकी मुख्तलिफ चीज़ों पर काम किया ताकि सब शोबा जात को ये बात पता हो कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को ले जा सकते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 80 के करीब ममालिक के अंदर राइज है और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसमें जब हम इसको लेकर चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो इसमें इसके 3 पोर्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि इसका स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट होता है, फिर उसके बाद हम डिपार्टमेंट्स की कुछ 3 चीज़ें हैं वो डिसाइड करते हैं, और फिर उसके बाद एक चीज़ हम JCA वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर करते हैं। जब हम स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत केयरफुल होकर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर इसका विजन मिशन डिसाइड करते हैं और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स या मकासद डिसाइड करते हैं ताकि हमें एक दफ़ा पता चल जाए कि ये इदारा इसका विजन क्या है, फिर मिशन क्या है, ये आगे क्या करना चाहता है। जब ये सारी चीज़ें हमारी तय हो जाती हैं तो इसके बाद एक फेज़ आता है जिसमें हम इंडिविजुअली हर एक डिपार्टमेंट के पास जाकर उनके फंक्शंस को डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर डिपार्टमेंट सारी चीज़ों को ख़ुद तय करता है, ताकि कल को जब उनको जवाबदेही देनी हो और अपनी चीज़ों को बताना हो तो वो ख़ुद से डिस्क्राइब कर दें। तो उसके अंदर हम कुछ फंक्शंस, कुछ उनको पता होता है, कुछ उनके साथ हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और वो तमाम चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। डिसाइड होने के बाद फिर इसका एक नेक्स्ट फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं की रिज़ल्ट एरियाज़ हम डिसाइड करते हैं। अब जितने भी हमारे पास हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट के फंक्शंस 15 हों, 20 हों, ज़्यादा हों, उसकी क्लस्टरिंग करके मेन थीम्स को लेकर उसको हम वेटेजेस दे देते हैं। जब वेटेजेस दे देते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि भाई ये क्या इनके पास था, क्या फोकस्ड है, किन चीज़ों पर करना है। की रिज़ल्ट एरिया से एक और चीज़ जो सामने होती है, हमें ये पता चलता है कि किसी डिपार्टमेंट के पास जो टाइम कितना किसी चीज़ को देना है, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो इन तमाम चीज़ों से डिसाइड हो जाते हैं। बहुत नैरो डाउन हो जाती है ये चीज़ें। जब एक दफ़ा ये तय हो जाता है तो फिर हम अगले मरहले पे ये करते हैं कि हम हर जो KRA डिसाइड होता है उसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो भी उन डिपार्टमेंट्स के साथ जाता है। फिर उसको हम जब तय कर लेते हैं तो उसके बाद हम उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी एक काम करना है उसको आपने एक स्टैंडर्ड बता दिया, उस स्टैंडर्ड्स को हम फिर बाहर के कुछ चीज़ों से भी मैच करते हैं, आया वो स्टैंडर्ड वो है या नहीं है। फिर 4 से 5 उसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी तय हो जाते हैं जिसमें उनको ये बहुत आसानी से पता चल जाता है कि इन तमाम चीज़ों को हम किस तरीके से आगे की तरफ लेके चलेंगे। जब ये मरहला तय हो जाता है तो उसके बाद हम उनके गोल्स एंड टारगेट्स पे आते हैं। जब गोल्स एंड टारगेट्स में हम ये करते हैं कि जैसे भी हमारा साल शुरू होने वाला है, उस साल शुरू होने में हर डिपार्टमेंट क्वार्टरली अपने टारगेट्स को डिसाइड करता है जो क्वांटिफाइबल होते हैं। उसके अंदर वो बताता है कि इन 3 महीनों के अंदर मैंने इन इन तमाम चीज़ों को हम जो है ना डिसाइड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को करना है। तो विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स के बाद जब KRA डिसाइड हो गया, KRA के बाद EPS एंड KPI डिसाइड हो गया, फिर जब उसके गोल्स एंड टारगेट डिसाइड हो जाते हैं तो फिर इसकी वेटिंग होती है जो V से आता है, वेटिंग। वेटिंग से मुराद ये है कि कोई बाहर का बंदा उसको इवेलुएट करता है, वाकई ये इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या नहीं, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। सही है।
जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर हम उसके ऊपर ये समझ लें कि एक किस्म का जो MOU या कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जामे के चेयरमैन या मोहतमिम वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की तरफ से मैं और उस डिपार्टमेंट का जो सरबराह होता है वो उसकी पूरी साइनिंग करता है, और इसके बाद ये जो है प्रॉपर उनके पास चला जाता है, वो 3 महीने तक अपनी तमाम चीज़ों पर काम करते हैं। और ये सारा डेटा हमने एक वेबसाइट बनाई है इसके लिए बाकायदा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और फिर जैसी लॉन्चिंग हो जाएगी तो हर डिपार्टमेंट के हेड के पास या उसका जो डिप्टी डायरेक्टर होगा लॉगिन पासवर्ड होगा, वो उन तमाम चीज़ों की 3 महीने के बाद उसके ऊपर वो उसकी जो है ना पूरी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कि ये चीज़ें हमारे KRAs थे, ये हमारी EPS KPIs थे, और उसके बाद जो है हमने इन तमाम चीज़ों को गोल्स एंड टारगेट्स को डिसाइड किया और उसके बाद हमने इतनी चीज़ों को किया और नहीं किया। फिर उसके बाद हम अपने कमेंट्स उसके ऊपर करते हैं, अपनी पूरी एक इवेल्युएशन रिपोर्ट बनाते हैं, और वो इवेल्युएशन रिपोर्ट जब बन जाती है तो उसको फिर हम आगे चेयरमैन साहब को दे देते हैं। चेयरमैन साहब उसको पढ़ते हैं, चेयरमैन साहब पढ़ने के बाद वो अपने कमेंट उसके ऊपर कर देते हैं। सही है। कमेंट होने के बाद जब हमारे पास ये सारी चीज़ हमारे पास वापस आ जाती है तो यहाँ से एक पूरा निज़ाम और पूरा सिस्टम जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का होता है कि अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको हम जो है ना फिर रिवॉर्ड की तरफ ले जाते हैं, कहीं पे अगर पहले क्वार्टर के अंदर कोई चीज़ उनसे प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी तो उनको अंदाज़ा हो जाता है, वो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर मज़ीद मेहनत और उसकी तरफ चले जाते हैं। आम तौर पे डिपार्टमेंट्स को ये गिला होता है कि हमने ज़्यादा काम किया, हमें किसी ने नहीं सराहा, उन्होंने नहीं किया, उनको सराह दिया गया। चूँकि ये एक सेल्फ ऑटोनमस किस्म का एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें तय हैं। ये एक हमारे पास एक रिपोर्ट यहाँ पे चल रही है कि इसको ज़रा पीछे कीजिएगा, तो उसके अंदर हमने ये एक कॉन्ट्रैक्ट हमने पूरा HR के साथ साइन करवाया है। सही है। इससे पीछे जो है ना इनके पूरे गोल्स एंड टारगेट्स मौजूद हैं, ये पूरे साल के। अच्छा, आप देख सकते हैं साल भर आपने करना है क्या है। जी, साल भर क्या करना है। इसके अंदर हमने उर्दू के अंदर इसको तवीलुल मियाद कहते हैं, यानी पूरे साल के उन्होंने 5 काम डिसाइड किए थे। सही है। फिर हर 3 महीने के अंदर उन्होंने मजीद उसको अपना ब्रेकअप बनाया। सही है। फिर उसको फर्दर हर महीने पे लेकर आ गए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूरी कॉन्ट्रैक्टिंग की। नीचे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हुआ है। सही। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। फिर इसके बाद ये हमने 3 महीने के बाद एक रिपोर्ट बनाई है। ठीक। क्या उनका फंक्शन था, क्या वेटेज थे, उनके पास उस 3 महीनों में क्या करना था, क्या अचीव क्या किया है, उसकी डेविएशन क्या है। ठीक है। यानी अगर वो नहीं किया तो उसके पीछे वजूहात क्या है। ठीक है ना, सब ऑन पेपर ले आए, सारा ऑन पेपर ले आए। तो इस वक्त कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जी ये काम जो बिल्कुल, तो उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई किसी जगह से साइड पे हो जाए, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक हर डिपार्टमेंट ने अपनी चीज़ों को खुद तय किया है। जब उन्होंने खुद तय किया तो अपनी तय की चीज़ से आगे पीछे नहीं हो सकते। सही। तो फिर इस तरीके से हम इस चीज़ को आगे की तरफ लेके जाते हैं। पिछला साल जो हमारा था वो इसके टेस्टिंग और ट्रायल का था। ठीक है। जिसके अंदर आपको पता है कि इस जैसे इदारे के अंदर जहाँ मुख्तलिफ लोग काम करते हैं तो एक नई चीज़ से डर भी रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। करने के लिए तो नहीं लिया है। डेफिनेटली। फिर वहाँ पर लोगों की स्किल्स नहीं होती कि वो अपने KRAs कैसे बनाएं, समझ भी नहीं आ रहा होता, समझ नहीं आ रहा होता। फिर उनके साथ बैठना, उनको वो एक चेंज प्रोसेस के अंदर उनको फैसिलिटेट करना, सही, उनको कंफर्ट पे लेकर आना तमाम चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें ये हमारा है। पूरे जामे बिनोरिया का KRA है की रिजल्ट एरिया है। सही है। कि पूरे इदारे को इंतज़ामी शोबजात को, और फिर हमने इंतज़ामी और तालीमी शोबजात को कैसे डिवाइड किया, सही। तो आउट ऑफ 100 ये पूरा का पूरा 63 डिपार्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। मिसाल के तौर पे अगर किसी डिपार्टमेंट का 1% है तो टाइम, पीपल एंड रिसोर्सेज उस हिसाब से होंगे। सही है। जहाँ पर जैसे दर्स निज़ामी के लिए हमने शुरू में 10 नंबर दिए, 37% हमारा पूरा जो है ना तालीमी शोबजात का है। सही है। तो उसमें दर्स निज़ामी को जब हमने 10% दिया तो टाइम, पीपल एंड रिसोर्सेज उसके हिसाब से होंगे। ठीक है। और फिर इनकी हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से डिसाइड होने के बाद ये तमाम चीज़ें आगे की तरफ चलती हैं। इसका पूरा एक फंक्शनल और ऑर्गेनोग्राम भी है, सही है, जो बना, और उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हम आगे की तरफ लेके चल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईद के फौरन बाद इसकी हम लॉन्चिंग करेंगे बड़े पैमाने पे। फिर उसके बाद जब चूंकि ये
एक एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा, वेब बेस्ड हो जाएगा, तो सब अपनी तमाम चीजों को करेंगे और अपनी तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ मैं चाहूंगा जरा आपसे जो आप लोगों का स्कूल है, कॉलेज वगैरह, इसके हवाले से कुछ बात करें। थोड़ा वक्त की किल्लत है तो थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। फरमाइएगा कि ये जामिया में आप लोग जो असरी तालीम दे रहे हैं, ये किस क्लास तक दे रहे हैं? असरी तालीम हमारी जो है, वैसी तो नए स्कीम के तहत तो हम इसको इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल तक आगे लेके जा रहे हैं। सही है। ये स्टार्ट होता है, ये समझ लें बिगनर से और प्री स्कूल से स्टार्ट होकर इंटरमीडिएट। सही है। पहले फेज पे था, अब हमने चूंकि अपनी तालीमी कैलेंडर उन तमाम चीज़ों के अंदर तब्दीली की है, तो सुबह का पूरा वक्त हमने दरस निज़ामी के लिए कर दिया है। अच्छा। दोपहर के बाद तमाम असरियात के लिए कर दिया है। ठीक। तो उसके अंदर उनको वो कॉलेज पढ़ने की भी फैसिलिटीज होंगी, फिर तमाम चीज़ें होंगी। इंटर के बाद हम उसको बीएस की तरह आगे सेमेस्टर्स के अंदर डिवाइड करके यहीं पे उसके ऊपर तमाम चीजों को लेके चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो स्कूल का आपने जिक्र किया, इसमें मिडिल, मैट्रिक तक, मैट्रिक में तो चलें जी सिंटैक्स बुक बोर्ड आपको पढ़ानी पड़ेगी, तो मिडिल वगैरह तक, आठवीं तक कौन से निसाब? उसमें मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं जो हम अपनी नीड्स के मुताबिक तमाम चीजों करते हैं।